जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अली रज़ा व्लॉग्स। जी तो दोस्तों ये लकों का बाई निकाल दिया हुआ मैंने, ये सुर के ऊपर चढ़े हुए हैं आज ना, इन तीनों को मैंने बाहर निकाल दिया था आज ना, बाकी जो है वो अंदर ही बंद है। अभी मौसम देखें माशाल्लाह से हवा चल रही है ठंडी, बादल भी बने हैं और धूप भी निकली हुई है। बाकी परिंदों को बाहर निकालता हूँ, आज के अपडेट देता हूँ फिर आपको। बाकी ये हैं, इनको बाहर निकालता हूँ, आ जाओ बाहर, बच्चे को बाहर निकालता हूँ माशाल्लाह से। इसको मैंने ना अब अलहदा कर देना दोस्तों, क्योंकि ये अब बड़ा हो गया और खाता पीता भी खुद ही। अब ये करना है कि इसको ना अलहदा करके दाना पानी के डालना करना, ताकि ना लाखा जोड़ा गोल्डन जोड़ा जो है ना वो नेक्स्ट पीरियड के लिए रेडी हो जाए। अंडे वगैरह उतारे, अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब सितंबर तक इनको रेस्ट दी हुई थी, तो अब माशाल्लाह सितंबर का मिड आ गया, मौसम भी बेहतर हो चुका है, हेल्दी एक्टिव है। अब इनको दाना वगैरह डालने के लिए वो दाना पास ही रखा हुआ बाल्टी में डाल दिया, दाना अभी आता काफ़ी गीला, अभी दाना सही से सूखा नहीं है यार, जैसा भी डाल देते हैं। खाना तो इन्होंने है ही है, बाकी ये बच्चे को मैं ना अंदर ही डालता हूँ। इसके लिए मैं लेके आता हूँ एक दो बर्तन ना छोटे जो दाने वाले होते हैं ना, ताकि ना पिंजरे के अंदर रख के ना उसको तो आराम से दाना पानी अंदर ही कर लिया करे, बाहर निकाला सुकून से घूम फिर के वापस अंदर। अभी अंदर के पिंजरे के अंदर डाल देता हूँ ना दाना जा के, तो फिर इसको अंदर ही बंद कर दूँगा उसकी पिंजरे में उठा के। देखें दोस्तों एक मुट्ठी दाना काफ़ी है इसके लिए, चल अंदर देखा ना खुद ही गया अंदर, इसको पता दाना वा उधर ही पड़ा होगा। ये है दोस्तों इसका सियानापन, ये देखें चेक किया, तो इसको बंद कर देता हूँ ताकि ओए बाल्टी में गिरा, ओए 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 देखा ना गिरा दी ना बाल्टी इन्होंने, और दो मिनट आगे पीछे होने की देर होती है बाल्टी में हमला। ये लो तो मुझे पहले ही शक था, मैंने दो मिनट के लिए अंदर जाना है, पीछे से उन्होंने बाल्टी गिरा दी है, क्योंकि उनको पता है लाल बाल्टी में दाना पड़ा होता है। अभी मैं अनार लेके आया था प्लेट भर के, अनार ख़त्म किया, बीच में एक दो दाने थे तो वो मैंने इनको खिलाए हैं, वो खट्टे थे तो इन्होंने चूंज वगैरह मारते लेकिन इन्होंने खाए नहीं वो। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा। अब भाइयों की सपोर्ट चाहिए कल की तरह माशाल्लाह से, कल काफ़ी भाइयों ने सपोर्ट किया मुझे, अच्छे व्यूज़ आए हैं वीडियो के ऊपर ना, इसी तरह सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह। आपको हर संडे जो है ना मंडियों की अपडेट भी दिया करूँगा जाके, वो बच्चे का देखता हूँ दाना खा रहा है या नहीं खा रहा। छोटा सा सेटअप है दोस्तों, ये छिपकली देखे क्रेट के अंदर वाली साइड पे वो देखें, देखिए माशाल्लाह बच्चा दाना वगैरह उठा रहा है, ज़ूम करके दिखाता हूँ आपके सामने दोस्तों, बच्चा ये खुद ही अंदर गया है कि उसको पता था मेरा दाना पानी जो है ना वो केज के अंदर ही होता है। अब ये दाना अच्छे से खा लेगा, उसके बाद केज खोलूँगा ताकि ये बाहर निकल के पानी वगैरह पिए, सांस वगैरह ले ठंडी हवा में, जितना ये रहेगा ना उतनी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो बाल्टी अंदर ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार इन्हें बाल्टी गिराते रहना और डरते रहेंगे ये। हेलो ये देखो फिनिश हो गई बाल्टी,
नहीं दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।